के साथ बताऊंगा, ऐसे जो फ्रॉड काम चल रही है दवाखाने के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो गरीबों को लूटा जा रहा है, नाम बड़ा और काम कुछ नहीं है। मगर जो चीज मेरे क्या कहने का मतलब है, अगर एक हंदी लाइफ बॉय साबुन 25 रुपए उस पर प्रिंट है तो 25 रुपए ही लेना चाहिए, गरीब हो पैसे वाला। मगर 25 से जगह तुम उस पर 100 रुपए वसूल कर रही, ये बोगस काम है। ये जल्द से जल्द मैं तुमको तुम्हारे चैनल थ्रू पता लगाऊंगा और तुमको वहां लेके जाने वाला है मैं। सर आपका नाम बताइए, और जो शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष जो खुला गया है MGM हॉस्पिटल में, तो मैं सब तरफ औरंगाबाद जिले के लिए, औरंगाबाद जिले में, तो दर्शकों को बताइए कि उसमें क्या क्या सुविधा रहेगी। मैं रविशेट हीरालाल जी जयसवाल, शिवसेना तालुका प्रमुख गंगापुर व्यापारी सेना। मुझे आज आदरणीय मेरे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, एकनाथ दादा शिंदे, संजय जी राउत साहब और हमारे वैद्यकीय मदद कक्ष के मंगेश जी चिवटे सर, इन्होंने सब ने मेरे पे विश्वास देख के और वो मेरा काम देख के, या मैं कम से कम आज 17 साल से मैं शिवसैनिक बोल के काम करता, मगर मैं शिवसैनिक बोल के काम करते समय भी मैंने घाटी अस्पताल, MGM, तुम्हारे वो कमल नयन, ये पूरा हॉस्पिटल में सबको मदद करे हुआ है। मैं कोरोना काल में कम से कम 48 लाख रुपए की मदद मैंने आदरणीय चंद्रकांत जी खरे साहेब, दानवे दादा हो, अब्दुल जी सत्तर हो, तुम्हारे बोरनारे सर वैजापुर के कार्य सम्राट आमदार संजय जी सिरसाट, हमारे प्रदीप भैया जायसवाल, कन्नड़ के अपने उदय सिंह जी राजपूत साहब और कैबिनेट मंत्री भूमरे साहब, इनको सबको मिलना जुला के जब भी पेशेंट की कोई अड़चन आती तो मैं इनका पूरा निरासन करके मैं पेशेंट डिस्चार्ज करता हूँ। मुझे संभाजीनगर की जिम्मेदारी इसलिए दी है कि वंदनीय बाबा साहेब ठाकरे शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष संभाजीनगर, यहाँ पे जितने भी अपने हॉस्पिटल में गरीब हो या चाहे कोई भी समाज का हो, उनके एनी टाइम उनके पास पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो हम लोग वहाँ जाके डॉक्टर को समझा के बाद में मुख्यमंत्री सहायता निधि की फाइल हो, महात्मा फुले की फाइल भर के उनको हॉस्पिटल को पैसे ला के देते। ये मैं 28 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने मेरे को पद दिए हुए और मैं इसका पूरे तरीके से इस्तेमाल संभाजीनगर के लिए करूँगा, पूरे जनता के लिए करूँगा। मुझे इलेक्शन का कुछ नहीं, मगर जहाँ मेरे शिवसैनिक खड़े रहेंगे उनके लिए मैं प्रेरणा स्थान हूँ, सबके लिए काम करता हूँ। ये वैद्यकीय मदद कक्ष का अपने जिले के लिए बहुत सारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने को पहले फाइल बनाने के रहे तो इधर उधर जाना पड़ता था, अभी मेरा नंबर मेरे से कांटेक्ट करे तो मैं फाइल भर के ताबड़तोप PDF मुख्यमंत्री सहायता निधि को डाल देता और अपना पैसा हॉस्पिटल को आ जाता। राजू सर, मुख्यमंत्री सहायता निधि का जो आपने बताया है तो बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और यहाँ आके परेशान होते हैं हॉस्पिटल में, तो उसके लिए कौन कौन से पेपर लगते हैं आप जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। परेशानी इसलिए लगती कि ये जो शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष जो थे तो पहले कोपरडी थाने में चालू था, बाद में पुणे में चालू है, नासिक में चालू है, नगर में चालू है, अभी संभाजी नगर में चालू है, ये पहले चालू नहीं था। इसमें क्या होता, मुख्यमंत्री सहायता निधि को अपना फॉर्म आता मुख्यमंत्री सहायता निधि का, वो फॉर्म भरने का, उसके बाद कोटेशन जोड़ने का हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का कोटेशन जोड़ने के बाद रहवासी आधार कार्ड या जो अपने को ट्रीटमेंट लेंगे उसका डॉक्यूमेंट, जो भी ट्रीटमेंट है उसका, वो डालने के बाद PDF करने के बाद आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब इतने दखल लेते, क्या संभाजीनगर पे इतनी उनकी जान है, तो बस आप देखते रहो, संभाजी का नाम, संभाजीनगर का नाम भी बोले तो पैसे डालने में कोई बोले तो उनको बहुत हो पाता, क्योंकि पहली शाखा ऐसे संभाजीनगर से शिवसेना की चालू हुई। राजी सर, बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते हैं इलाज के लिए जो आते हैं यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट, तो उनका कितना पैसा माफ होता है मुख्यमंत्री निधि में? मुख्यमंत्री सहायता निधि से ऐसा माफ होता है वो कि अपन PDF भरने के बाद वो बोलते कि तुम ये हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करे हुए ट्रीटमेंट दे हुए, चाहे दूत हो कमल नयन हो, जाके अपन ने पेशेंट ने सिर्फ एडमिट होना है, पैसे ऑटोमेटिक डालते, जो भी खर्चा है वो डाल दे, चाहे गरीब हो या पैसे वाला हो, 5 लाख लगो, 10 लाख लगो, 20 लाख लगो, ये पैसे अभी तक मैंने मेरे को पद देते हुए समझो 28 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने पद दिए और मंगेश जी चिवटे सर ने मेरे को पद दिए, उसके बाद
सिर्फ अभी तक मैंने 32 लाख रुपए की संभाज नगर के लिए मदद करे हुआ है। और मेरा जैसा मंगेश जी चूटे सर है, ये श्रीकांत फाउंडेशन है, एकनाथ शिंदे साहब के जो श्रीकांत खासदार चंद श्रीकांत जी शिंदे फाउंडेशन और वंदनीय बाबा साहेब ठाकरे मदद कक्ष, इनके जो मेन चार्ज है मंगेश जी चूटे सर, उनके तरफ देख के प्रेरणा लेते हुए मैंने ये काम शुरू करा हुआ है। क्योंकि ये मंगेश जी चूटे सर है कि आपने महाराष्ट्र के लिए कोई नूर मिली हुई है अपने को, उन्होंने पूरा तन मन धन से आज इतनी कुछ वैद्यकीय मदद कक्ष को मदद करते कि कम से कम अभी तक 4,500 या 5,000 के ऊपर शस्त्रक्रिया हुई हुई है महाराष्ट्र के अंदर। मदद वैद्यकीय कक्ष में कोई परिजन आपसे मिलना चाहता है तो आपका कार्यालय का पता बताइए और आपका मोबाइल नंबर बताइए। मेरा कमल नैन के पास हॉस्पिटल है, कमल नैन हॉस्पिटल के बाजू में मेरा कार्यालय, उस पर महाजन की बिल्डिंग है उसमें जो कार्यालय है, उसमें जल्द से मैं आपको वहाँ पे एकनाथ दादा शिंदे के हाथ से उद्घाटन होने वाला है। अभी मैंने ऑफिस वगैरह सब करा, अभी बोर्ड लगाना चालू है रिक्शा पे वगैरह एडवर्टाइज को सबको, और तुम्हारे माध्यम से भी तुम्हारे प्रेस को मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक आप भगवान सर के मिलते, मैं एक खेड़े में रहने वाला हूँ मगर आप इतने मेरे को हमेशा कोऑपरेटिव करते कि जहाँ जहाँ भी समझो मदद लगे तो आप में मुझे मालूम है, मैं घाटी में रहता इधर रहता, तुमको जैसा भी मालूम गिरा तो तुम आप चैनल वाले मेरे पास आ गए, मैंने तो आपको बुलाया नहीं मगर मेरा काम देख के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का विश्वास घात कभी ये चीज़ों में होने दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को कैसा डिस्चार्ज करूँगा उतना मैं काम करने वाला है। आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा सूचना वैद्यकीय मदद कक्ष के लिए जो मोबाइल नंबर है 94-23-91-24-24, ये नंबर पे आप डायल कर सकते हैं, तुमको 10 मिनट के अंदर सब सहायता मिलेंगी, आपका सब शंका का निरासन हो जाएगा। जो डॉक्टर लोग अभी बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें भी आप तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपन तो जल्दी आपको आगे मिलेंगे, मैं खुद कुछ हॉस्पिटल आई से मैं आप 2 साल से मैं ये हॉस्पिटल का मैं ये कर रहा हूँ अभ्यास कर रहा हूँ, अभी समझो नाम मैं बाद में बताऊंगा, वो हॉस्पिटल को आपको मेरे साथ आना है मगर जो दवा है अभी जो समझो ऑपरेशन की दवा है जहाँ इधर अपना ये समर्थ नगर में जो विजय मेडिकल है वो वापस सिर्फ वो इंजेक्शन 4,500 में आता, कितने में आता 4,500 में आता, और बड़े बड़े हॉस्पिटल में वही इंजेक्शन 13,000 रुपये में दिया जाता पेशेंट को, कितने में, तो भैया ये 4,500 में जब समर्थ नगर में मिलता तो हॉस्पिटल में जब तुम इश्यू कर रहे हो उसको तो 5,000 तक जाना चाहिए या बहुत ही तुम्हारा देखभाल है ये हो, तो मैं लोगों से मेरे खुद ससरे से मैंने 12 इंजेक्शन लिया तो कम से कम 13,000 से पैसे लिए, फिर बाद में मेहमान बोले कि ऐसा इधर 4,500 में मिलता, उनको डिफेलकेट बताए वो नाम के साथ बताऊंगा, ऐसे जो फ्रॉड काम चालू है दवाखाने के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो गरीबों को लूटा जा रहा है, नाम बड़ा और काम कुछ नहीं है मगर जो चीज़ मेरे क्या कहने का मतलब है, अगर एक हंदी लाइफ बॉय साबुन 25 रुपये उस पर प्रिंट है तो 25 रुपये ही लेना चाहिए, गरीब हो पैसे वाला मगर 25 से जगह तुम उस पर 100 रुपये वसूल कर रहे, ये बोगस काम है, ये जल्द से जल्द मैं तुमको तुम्हारे चैनल थ्रू पता लगाऊंगा और तुमको वहाँ लेके जाने वाला है। मैं पूरा नाम बोलिए। राजू हीरालाल जी जायसवाल। पार्टी में क्या पद है आपकी? मेरा पार्टी में मैं गंगापुर का व्यापारी सेने का तालुका प्रमुख हूँ, जिला प्रमुख मैं जयसवाल युवा क्लब औरंगाबाद का जिला प्रमुख हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष लेखिनी सम्राट का हूँ, मेरे पास 5-6 पद है, मैं ऑल इंडिया कार्य अध्यक्ष चालक मालक संगठने का हूँ, मेरा काम दिखाया जाता, मैं पैसे के ऊपर काम नहीं करता, तन मन धन से मैं देने में वो लेने में मैं एनी टाइम मैं पेशेंट की सेवा करूँगा, मेरे रूप में सेवा यही ईश्वर सेवा ये काम के मैं काम करता।